से लागू करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। एसपी लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। एसपी लागू करना होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। किसानों के अधिकारों के लिए चलेगी नहीं चलेगी, खेती पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों के समर्थन व उनके ऊपर हो रही कार्रवाई को लेकर हरियाणा तथा केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी प्रदर्शन के आह्वान पर शिमला में भी डीसी ऑफिस के बाहर ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के सीएम खट्टर और मंत्री अनिल विज का पुतला फूंका और केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारत सरकार ने देश के समूचे किसान में पर युद्ध घोषित किया है और हम भारत सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, आप जितना मर्जी दमन कर लो, ये जो समूचा किसान आंदोलन है ये आगे को बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए आज हम काला दिवस मनाते हुए हम मांग कर रहे हैं कि 302 का मुकदमा दायर करना होगा और वो 302 मुकदमा अमित शाह के खिलाफ होगा, खट्टर के खिलाफ होगा और अनिल विज के खिलाफ ये दायर करना होगा। और यही नहीं, तुमने युद्ध घोषित किया है और युद्ध को समाप्त अब किसान मजदूर इस देश में करेगा। ये भूल जाएं कि आप दमन के जरिए ये इस तरीके का व्यवहार किसानों के साथ करेंगे, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि ये जो मोर्चा खोला गया था ये संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से नहीं था, जिसके घटक हम हैं, लेकिन आज किसी भी किसान जत्थेबंदी पर, किसी भी किसान की धारा पर अगर आप आक्रमण करोगे तो समूचा किसान इस मुल्क का, चाहे हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी का प्रश्न हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पहाड़ी का प्रश्न हो या देश के किसी भी हिस्से का हो, हम एकता कर कर आगे बढ़ेंगे और इस युद्ध का मुकाबला हम निश्चित रूप में करके देंगे।